सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की डेट फिक्स होने के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। शादी की डेट फिक्स होने के हवाले से सलमान खान के वालिद सलीम खान और शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो रही है, मगर अभी तक इन दोनों की शादी की डेट कन्फर्म नहीं हो सकी। मगर अब सलमान खान के वालिद सलीम खान और सोनाक्षी सिन्हा के वालिद शत्रुघ्न सिन्हा ने सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान दिया है। शादी की डेट कब फिक्स होगी, शादी कहां होगी, किस होटल में होगी, सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। फ्रेंड, बात करते हैं सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की डेट के हवाले से। इस सिलसिले में सलमान खान के वालिद सलीम खान और सोनाक्षी सिन्हा के वालिद शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ने मिल के फैसला किया है और दोनों की स्टेटमेंट आई हैं कि शादी की डेट का फैसला सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा ने नहीं करना, बल्कि इनकी शादी की डेट फिक्स करने का फैसला मैंने और शत्रुघ्न सिन्हा ने मिलकर करना है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मजीद कहा कि शादी तो बहुत पहले हो जानी थी, मगर बीच में इलेक्शन आ गए थे जिसकी वजह से शादी डिले हुई है। अगर इलेक्शन ना आते तो कंफर्म था कि शादी 28 और 29 मार्च को हो जानी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने मजीद कहा कि मैं जानता हूं कि सलमान खान की शादी से जहां बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी की मुखालफत कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने मजीद कहा कि मैं इन मुखालफीन को क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी 2022 में होकर रहेगी। मुखालफीन जितना जोर लगा सकते हैं लगा लें, मेरी बेटी की शादी सलमान खान से ही होगी। तो फ्रेंड्स, आपको शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।